फर्जी कोविन पर हर्षवर्धन ने लोगों को दी चेतावनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को कोविन नाम के किसी मोबाइल ऐप से कोड डाउन करने और उन पर सूचना साझा करने के खिलाफ आगाह किया है। दरअसल शरारती तत्वों को कोविन से मिलते जुलते ऐप बनाए हैं और उनके नाम कोविड 19 टीकाकरण के लिए सरकार के आगामी आधिकारिक ऐप से मिलते जुलते रखे हैं। हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, कहा कि सरकार ने आगामी आधिकारिक मंच से मिलते जुलते नाम वाले कुछ ऐप शरारती तत्वों ने बनाए हैं जो एक्सपर्ट्स पर उन ऐप को डाउनलोड या उन पर व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आधिकारिक मंच पर ऐप आने पर उसे उपयुक्त रूप से प्रकाशित करेगा। टीके की निगरानी का मंच है कोविन। कोविड वैक्सीन लेक्सिस नेटवर्क ऐप एक डिजिटल मंच है जिसे केंद्र द्वारा कोविड 19 टीके की आपूर्ति एवं वितरण की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए बनाया गया है। यह क्रियान्वयन के लिए तकरीबन अपने अंतिम चरण में है और गूगल प्ले स्टोर या किसी अन्य ऐप स्टोर पर अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। कोविन को फ्री मोबाइल ऐप है। मंत्रालय ने कहा कि इस बीच राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे में के कमियों के आंकड़े एकत्र किए हैं। इन लोगों का प्रथम प्राथमिकता प्रत्येक कोविड 19 का टीका लगाया जाएगा। कोविन आंकड़ों को कोविन सॉफ्टवेयर ऐप अपलोड किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोविन डिजिटल मंच में डाउनलोड किए जाने का योग्य एक मुफ्त मोबाइल ऐप होगा जो टीके से जुड़े आंकड़े दर्ज करने में मदद करेगा। अगर कोई व्यक्ति टीका लगवाना चाहता है तो वह इस पर अपना पंजीकरण करा सकता है।